नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। नागरिकता संशोधन विधेयक को आज मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने आज नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। पूरी संभावना है कि इस बिल को इसी हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल में पाकिस्तान, आपका मजहब, आपकी जाति, आपका रंग, आपकी भाषा, ये सब कोई मतलब इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप भारतीय नागरिक है, आपको एक ही हक मिलना चाहिए और ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बेसिक प्रिंसिपल। मेरे ख्याल में संविधान के विरुद्ध है और हम इसके विरुद्ध रहना चाहिए। मैं पर्सनली तो इसके विरुद्ध हूँ। चीनी घुसपैठ को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में अहम बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने सीमा सुरक्षा को लेकर देश को आश्वस्त भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत चीन को लेकर लोकसभा में अहम बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की सेना किसी भी चुनौती से लड़ने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने माना कि भारत और चीन के बीच कुछ जगहों पर LAC को लेकर भ्रम की स्थिति है और कभी कभी भारत की सेना भी चीन की सीमा में चली जाती है तो कभी चीन की सेना इधर आ जाती है। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर एक पर्सनल डिफरेंस है, ये पहले से ही चले आ रहे हैं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का कहना है कि हमारी सीमा यहां नहीं है बल्कि हमारी सीमा यहां पर है। तो LAC को लेकर ये पर्सनल डिफरेंसेस ये दोनों देशों के बीच बहुत पहले से चले आ रहे हैं कि सीमा सुरक्षा को लेकर हमारी सेनाएं पूरी तरह से चौकस हैं और पूरी मुस्तैदी से हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं। और मैं यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। अध्यक्ष महोदय, किसी को इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। करीब 3.5 महीने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए INX मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पी चिदंबरम को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए INX मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी चिदंबरम को सशर्त जमानत दे दी है। पर इस दौरान चिदंबरम देश छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। साथ ही चिदंबरम को ED के साथ जांच में सहयोग करने को कहा गया है। चिदंबरम को CBI मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। सुनवाई के दौरान ED ने दलील रखी थी कि चिदंबरम अपने कद का इस्तेमाल करते हुए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिस पर कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि चिदंबरम को केस से जुड़े गवाहों से संपर्क करने की इजाजत नहीं होगी। वो न तो मुकदमे पर बयानबाजी करेंगे और न ही मुकदमे के बारे में मीडिया को इंटरव्यू दे सकेंगे। भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को ही गिरफ्तारी के बाद चिदंबरम को 17 अक्टूबर को ED ने गिरफ्तार किया था। उच्चतम न्यायालय का एक व्यापक निर्णय आया है, काफी डिटेल में है और सभी पक्षों को मद्देनजर रखते हुए विशेष रूप से ट्रिपल टेस्ट को, विशेष रूप से ग्रेविटी यानी गंभीरता ऑफेंस की, विशेष रूप से आर्थिक ऑफेंस होने की बात, इन सब मुद्दों को एक व्यापक रूप से देखते हुए संतुलित रूप से समझकर फिर उच्चतम न्यायालय ने ये बेल जारी की है। हम समझते हैं कि मानव अधिकार के लिए ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है। उनके खिलाफ जो भी केस चल रही है उसके एविडेंसेस हैं, इंक्वायरीज हुई है, अब मैटर सब ज्यूडिस कोर्ट इसका निर्णय करेगी और कोर्ट जब तक उनको निर्दोष स्थापित नहीं करती तब तक उनको निर्दोष कहना और हमारे कार्रवाई को विंडक्टिव कहना गलत होगा। छत्तीसगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। ITBP के जवान ने अपने साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के कडेनार इलाके में ITBP के एक जवान ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करके अपने ही 5 साथियों की हत्या कर दी। जवाबी गोलाबारी में आरोपी जवान की भी मौत हो गई है। दिल दहलाने वाली इस वारदात में बीच बचाव करने वाले 2 जवान घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि जवानों के बीच 2 दिनों से विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान ही M रहमान नाम के जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग की। बाद में आरोपी जवान M रहमान ने भी खुद को गोली मार ली। अब पुलिस और ITBP के वरिष्ठ अधिकारी इस पूरी वारदात की जांच कर रहे हैं। शहीद हो गए कुपवाड़ा और बांदीपुरा में
दो अलग अलग हादसों में जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में आए बर्फीले तूफान में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। उत्तरी कश्मीर में 2 अलग अलग एवलॉन्च में फंसने से ये हादसे हुए हैं। पहला हादसा कुपवाड़ा के किरनी सेक्टर में हुआ, जहां पर पेट्रोलिंग पर निकली आर्मी की टुकड़ी अचानक आए बर्फीले तूफान में फंस गई, जिसमें 3 जवानों की मौत हो गई। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 1 जवान को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। वहीं बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में सेना की फॉरवर्ड पोस्ट एवलॉन्च की चपेट में आ गई, जिसमें 1 जवान की मौत हो गई। हालांकि अभी भी कई जवान के बर्फ में दबे होने की आशंका की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीमावर्ती जिला कुपवाड़ा है, वहां के करना इलाके में जो फॉरवर्ड पोस्ट थे वहां एक हिमस्खलन हुआ, जिसमें 4 सैनिक जो है वो दब गए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को तुरंत वहां पर शुरू कर दिया गया, लेकिन 1 सैनिक को वहां जिंदा तो निकाल लिया गया, लेकिन 3 अन्य सैनिक जो है उस बर्फ में दबने के कारण जो है उनकी मौत हो गई। दिल्ली वालों को फ्री बिजली, पानी और बस सफर देने के बाद अब केजरीवाल सरकार ने मुफ्त वाईफाई देने का ऐलान किया। इस सुविधा की शुरुआत इसी महीने से हो जाएगी। दिल्ली सरकार 16 दिसंबर से दिल्ली वासियों को फ्री वाईफाई की सुविधा देने जा रही है। 16 दिसंबर को 100 हॉटस्पॉट शुरू कर इसका उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना फ्री वाईफाई की घोषणा की। पूरी दिल्ली में कुल 11,000 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। पहले चरण में दिल्ली के सभी बस स्टैंड पर 3,000 वाईफाई के हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। वहीं बाजारों में 7,000 हॉटस्पॉट लगेंगे। साथ ही हर हफ्ते 500 हॉटस्पॉट बढ़ते जाएंगे। इसके लिए सरकार करीब सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही हर यूजर को 1 महीने में 15 GB डेटा मिलेगा। आज जब हम इसको लागू कर रहे हैं तो 100 करोड़ में पूरे दिल्ली का वाईफाई हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो कॉस्ट काफ़ी कम है और उसका कारण ये देरी जो हुई उसको सबको करने के बाद हुआ है। बाकी जो है दूसरे मॉडल्स सफल नहीं पाए गए, तो इसी वजह से उनको। दिल्ली में कार से 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। रोहिणी में डॉक्टर और उसकी महिला दोस्त के शव मिले। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक कार से एक डॉक्टर और उसकी महिला मित्र का शव मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक डॉक्टर ओम प्रकाश कुकरेजा रोहिणी के एक नर्सिंग होम में डॉक्टर थे, जबकि महिला उसी नर्सिंग होम में MD थी। दोनों के बीच काफी लंबे वक्त से दोस्ती थी। खबरों के मुताबिक ये महिला डॉक्टर पर कई दिनों से शादी करने का दबाव डाल रही थी। परेशान होकर डॉक्टर ने पहले अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से महिला को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मेरे फ्रेंड ने सुबह 6:30 बजे के अराउंड वॉक पे निकला था, तब उसने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे गाड़ी में 2 लोग हैं और AC चालू था, गाड़ी का हेडलाइट चालू थी, तो उसने उस टाइम उनको पुलिस को फ़ोन करके बुलाया और फिर उसके बाद इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। काफ़ी देर बाद फिर उन्होंने शीशे तोड़कर फिर बॉडी को उन्होंने क्लियर आउट किया था। आज सीजन का सबसे ठंडा दिन है। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी के बाद दिल्ली में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री तक पहुंच गया। पहाड़ों में ठंड बढ़ने के बाद अब दिल्ली में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में तापमान लगातार गिरता ही जा रहा है। आज इस सीजन का सबसे ठंडा दिन है। दिल्ली के पालम में पारा 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कुछ इलाकों में तापमान और भी कम रहा। आज सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री तक पहुंच गया। राज्य में लगातार तेज ठंडी हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। साथ ही सुबह के वक्त भी ठंडी हवा के साथ कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक राजधानी में तापमान और भी नीचे आएगा। प्लेन्स में भी टेम्परेचर में कोई खास हमारे पास चेंज होने वाला नहीं है। जो न्यूनतम तापमान है वो नॉर्म जितना चल रहा है, ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि दिल्ली NCR के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 डिग्री के आसपास भरा रहेगा अगले 3 से 4 दिनों तक। साथ ही साथ जो अधिकतम तापमान है वो 23 डिग्री के आसपास रहेगा। अहमदाबाद में कांग्रेस विधायक शैलेश परमार की कार से टक्कर के बाद मामले में ट्विस्ट आ गया। कार का ड्राइवर पुलिस स्टेशन पहुंचा और दावा किया कि हादसे के वक्त कार वो ड्राइव कर रहा था। अहमदाबाद में हिट एंड रन का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सोमवार को कांग्रेस विधायक शैलेश परमार की कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी थी। हादसे में स्कूटी चालक की मौत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि हादसे के बाद कार सवार ने घायल व्यक्ति को बाहर निकलकर देखा तक नहीं और वो मौके से फरार हो गया।
अचानक से कार का ड्राइवर पुलिस स्टेशन पहुंचा और दावा किया कि हादसे के वक्त कार वो ही ड्राइव कर रहा था। पुलिस इस मामले की जांच में लगी है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि कार को या तो विधायक शैलेश परमार या फिर उनका बेटा चला रहा था। अभी तक कार्यवाही हुई है, उसमें व्हाइट इनोवा कार शैलेश परमार धारा शुभ उनकी है और उनके और से पता चला है कि उनके ड्राइवर देवेंद्र भाई पावसार वो कार ले गए थे, वो चला रहे थे, उनके द्वारा हादसा हुआ है। तो अभी देवेंद्र भाई को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लाया गया है। आगे जैसे ही और क्लोज ये कन्फर्म होता है कि देवेंद्र भाई गाड़ी चला रहे थे, उनको अरेस्ट किया जाएगा।